हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नई दिल्ली से सिलचर तक चलने वाली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नई दिल्ली से सिलचर तक चलने वाली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है हफ्ते में एक दिन चलती है। अगर इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो ये नई दिल्ली से कानपुर, पटना, न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए गुवाहाटी के थ्रू ये सिलचर में जाके, असम में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। नई दिल्ली सिलचर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के अगर ट्रेन नंबर के बारे में बात करें तो इसका ट्रेन नंबर है 15602 और ये 45 घंटे में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं और ये 2280 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 51 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इसके ट्रेन के टाइप के बारे में तो ये संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 51 किलोमीटर पर आवर। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो ये जो ट्रेन है इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें। फर्स्ट एसी का जो किराया है वो है 5310 रुपये, सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 3080 रुपये और थर्ड एसी का जो किराया है वो है 2075 रुपये। इसमें जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। ये ट्रेन जो है सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए इसमें सुपर फास्ट चार्ज भी साथ में नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा नई दिल्ली सिलचर संपर्क पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के भी कोच हैं जिसका किराया जो है 785 रुपये है। इसमें सिर्फ रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है और इसके अलावा इसमें जनरल अंडरसर डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है 450 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार भी शामिल है जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नई दिल्ली से सिलचर तक चलने वाली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। ये जो पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है नई दिल्ली से हर बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को रात को 11:45 पर रवाना होती है 13 नंबर प्लेटफॉर्म से और इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं और 45 घंटे में ये नई दिल्ली से जो है अपनी दूरी सिलचर तक दूरी जो है कवर करती है। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है उत्तर प्रदेश का कानपुर सेंट्रल। यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 6:05 पर पहुँचती है और 6:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन इलाहाबाद जंक्शन में सुबह 8:45 पर पहुंचती है और 8:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुगल सराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय में सुबह 11:43 पर पहुंचती है और 15 मिनट बाद 11:58 पर सुबह वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन में दोपहर के 2:45 पर पहुँचती है और 2:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिहार के कटिहार जंक्शन में पहुंचती है रात के 8:40 पर और 9:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है और यहां पर इसका इंजन भी चेंज होता है। उसके बाद ये न्यू जलपाईगुड़ी में रात के 12:20 पर पहुंचती है और 12:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है असम के न्यू बंगाईगांव जंक्शन में सुबह 5:20 पर पहुंचती है और 5:22 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गोलपारा टाउन में पहुंचती है सुबह 6:13 पर और 6:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुवाहाटी में पहुंचती है सुबह 9:05 पर और 9:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नई दिल्ली सिलचर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो लुमडिंग जंक्शन में पहुँचती है दोपहर के 12:45 पर और 1:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये न्यू हाफ लॉन्ग में पहुँचती है दोपहर के 3:50 पर और 10 मिनट बाद 4 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन बदरपुर जंक्शन में पहुँचती है शाम के 6:35 पर और 7 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सिलचर स्टेशन में पहुँचती है जो कि इसका आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है
रात के 8:45 पे पहुंचती है और 3 प्लेटफॉर्म पे जाके ये पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है अपना यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 2280 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।